दोस्तों, आए दिन वन प्लस नोट 2 के ब्लास्ट होने के केस बहुत सामने आ रहे थे। गौरव गुलाटी नाम के एक एडवोकेट का एक वन प्लस नोट 2 ब्लास्ट हुआ, तब ये मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। ये एडवोकेट अपने ऑफिस में बैठे थे, ऑफिस में एसी भी चालू था और उसने अपने काले रंग के में वन प्लस नोट 2 रखा था और अचानक वो थोड़ा सा गर्म हुआ और थोड़ी देर के बाद उसमें धुआं निकला और वो मोबाइल ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के थोड़े समय के बाद ही गौरव गुलाटी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये सारी घटना ट्वीट करके बताया, साथ ही साथ अपने ब्लास्ट हुए फोन के फोटो भी शेयर किए। जैसे ही ये घटना हुई तो वन प्लस वालों ने तुरंत ही गौरव गुलाटी से संपर्क किया और कहा कि हमें यह फोन दीजिए, हमें चेक करना है किस कारणों से यह फोन ब्लास्ट हुआ है। तो गौरव गुलाटी जी ने साफ मना कर दिया है, उसने ये मामला पूरा का पूरा पुलिस को दे दिया है। गौरव गुलाटी उस पर मुकदमा केस भी करना चाहते हैं। आए दिन एक दूसरी भी न्यूज मिली कि वन प्लस नोट 2 का जो मोबाइल नहीं लेकिन चार्जर भी ब्लास्ट हुआ है, उसके फोटो ये रहे। दोस्तों, वन प्लस कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सच में ये फोन ब्लास्ट हो रहे हैं या ये कोई कंपनी बंद कराने का फ्रॉड है? आंसर कमेंट में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल।